दिल्ली के चांदनी चौक सीट से क्या कांग्रेस आपका खेल बिगाड़ेंगे, खिलाड़ी कुमार। नमस्कार, शेष भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ मिलाने के बाद इस बार दिल्ली की लोकसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। पिछली बार कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपने अपनी 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के खाते में आई 3 सीटों में से एक चांदनी चौक सीट खासी चर्चा में है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के पास रही थी। इस बार दिल्ली में किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर बीजेपी में चर्चा जारी है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सांसदों को रिपीट किया जाए या नहीं, इस पर बातचीत हो रही है। खबर यह है कि पार्टी इस बार एक या दो मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। इन सभी चर्चाओं के बीच एक बात यह भी सामने आ रही है कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट वीआईपी सीट बन सकती है। इस सीट से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का नाम बीजेपी की ओर से सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसकी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। हालांकि अक्षय कुमार का झुकाव जिस तरह से पीएम मोदी की तरफ है, तो इस बात को पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गई है कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी अक्षय कुमार को क्या चुनाव लड़ा सकती है। अक्षय कुमार के आने से बीजेपी को बढ़त तो मिल सकती है, लेकिन सेलिब्रिटी सांसदों का ज्यादा वक्त अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि मुंबई में गुजरता है। ये एक वजह है कि बीजेपी अक्षय कुमार को चांदनी चौक से उतारने से गुरेज कर सकती है। आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद साफ तौर पर दिल्ली में बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन का पैमाना बदलेगा। उसकी वजह यह है कि इस बार मुकाबला आमने सामने वाला होगा, 2019 की तरह त्रिकोणीय नहीं। चांदनी चौक टू चाइना के हीरो रहे अक्षय कुमार फिल्मों में जाने से पहले अपने परिवार के 24 सदस्यों के साथ चांदनी चौक के एक छोटे से घर में रहते थे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2014 और 2019 में 2 बार ये सीट जीती है। इससे पहले ये सीट 2004 और 2009 में पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पास थी। कांग्रेस के हिस्से में गठबंधन के तहत दिल्ली की जो 3 सीटें आई हैं, उसमें एक चांदनी चौक की भी सीट है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इनके साथ आने से गठबंधन के उम्मीदवार की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस का इस सीट पर खासा फोकस रहेगा और आम आदमी पार्टी की ओर से नामों के ऐलान के बाद वह भी दिल्ली की 3 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। इस सीट से कांग्रेस के भीतर 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इस बार जेपी अग्रवाल के साथ ही इस सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी दावेदारी ठोक रहे हैं। तीसरा नाम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा का है। कांग्रेस पार्टी जल्द चांदनी चौक से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। चांदनी चौक लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में हैं। इन सीटों में बलीमारन, चांदनी चौक, सदर बाजार और मटिया महल शामिल हैं। साथ ही चांदनी चौक में दलित मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होने के बावजूद पिछले 2 चुनाव में दिल्ली की किसी भी प्रमुख पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को यहां से मैदान में नहीं उतारा है। चांदनी चौक लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन 5,19,055 वोट पाकर जीत पाए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल 2,90,910 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे और 1,44,551 वोटों के साथ आप उम्मीदवार पंकज कुमार गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से मुकाबला दिलचस्प होगा। चांदनी चौक के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इस सीट का गठन 1956 में हुआ और इसके बाद 1957 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के राधा रमन यहां से चुनाव जीते। 1962 तक यहां की जनता ने कांग्रेस के सांसद को ही संसद में पहुंचाया। 1967 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के राम गोपाल शालवले ने ये सीट जीती थी।
1971 में इस सीट पर वापस कांग्रेस ने कब्जा किया। इस बार सांसद बनी सुभद्रा जोशी 1977 में हुए चुनाव में इस सीट से जनता पार्टी के सिकंदर वक्त जीते। 1980 से लेकर 1991 तक ये सीट कांग्रेस के पास ही रही। 1980 में यहां से कांग्रेस के भीखू राम जैन 1984 और 1989 में जयप्रकाश अग्रवाल सांसद बने। 1991 के चुनाव में बीजेपी के जनादेश ताराचंद खंडेलवाल यहां से सांसद बने। 1996 में फिर यहां से कांग्रेस जीती और जयप्रकाश अग्रवाल सांसद बने। साल 1998 और 1999 में चांदनी चौक की सीट एक बार फिर बीजेपी ने जीती और विजय गोयल संसद पहुंच गए। 2004 और 2009 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर कपिल सिब्बल ने चुनाव लड़ा और जीत गए। 2014 और 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब इस पूरी सियासत में अक्षय कुमार की एंट्री चांदनी चौक सीट पर होने वाले मुकाबले को और दिलचस्प बना देगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।